हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे कि मेरे वीडियोस की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबको पता नहीं है कि मंत्रा का आरडी सर्विस कैसे रिचार्ज करते हैं, तो मैं आज आपको वही दिखाऊंगा कि मंत्रा का आरडी सर्विस भी रिचार्ज होता है और उसको लाइफ टाइम यूज नहीं कर सकते। उसका भी आपको एक मंथ, एक ईयर या टू ईयर या थ्री ईयर के बाद आपको उसको रिचार्ज करना ही होता है, तो मैं आज वही दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे तो आपको गूगल पर सर्च करना है मंत्रा आरडी सर्विस चेक, आपको उसको चेक कर लेना है। सबसे पहले उस सर्विस पर आपको सर्च कर लेना है। उस पर आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको मंत्रा की जो ऑफिशियल रिचार्ज वाली जो सर्विस ऐप है वो चालू हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये पूरा पेज को आपको स्क्रॉल करके देख लेना है और पेमेंट पर जाकर क्लिक कर लेना है। तो पेमेंट में आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक आरडी सर्विस और एक आरएमडी का। तो आपको आरडी सर्विस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उसमें देख लेना है कि क्या क्या डिटेल फिल करनी है। तो पहले आपको क्या करना है, ये मेरा जो असिस्टेंट है वो खुल गया है, जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको जो भी सर्च करना है, आपको जो भी इश्यू है आप उसको आपको सर्च कर लेना है। तो इसमें देख सकते हैं आप, कंपनी नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम है, कंपनी जीएसटी है, एप्लीकेशन है। तो मैं अपना जो शॉप का नाम है वो मारुति इलेक्ट्रिकल्स आपको इसमें फिल कर दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको डाल दीजिए। उसके बाद जो भी आपका नाम हो, जो कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम है वो आपको उसमें डाल देना है। मेरा दीपक नाम है तो मैं अपना दीपक नाम फुल इसमें इंसर्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको ईमेल एड्रेस भी फिल करना होगा। तो आपको ईमेल पर जाकर आपका जो भी ईमेल है वो उसको आपको फिल कर लेना है। मैं अपना ईमेल फिल कर दे रहा हूँ। तो जो मेरा ईमेल है वो मैं इसमें फिल कर दे रहा हूँ, जिससे कि हमारे जो भी वॉइस है वो आपको ईमेल में भी प्राप्त हो सके। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन का नाम भी लिखना है। तो उसमें आपको एप्लीकेशन का नाम भी आपको उसमें क्लिक कर लेना है। ये मेरा असिस्टेंट है, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। अभी आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन का नाम भी आपको उसमें फिल कर लेना है। जैसे आप अपने एप्लीकेशन का नाम फिल कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 41 RT सर्विस सब्सक्रिप्शन 41 RT सर्विस वारंटी के साथ उसको परचेस करना है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले इसमें 1 ईयर का आपको आरटी सर्विस परचेस करना है। तो आपको उसमें आपको ऐड करना होगा अपना डिवाइस। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि उस पर ऐड वाला भी ऑप्शन है, उस पर आपको जाकर ऐड कर लेना है। तो अभी क्या करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते जाइए, उस स्टेप को फॉलो करते ही जाइए। तो देखो, ये हमारा ऐड सीरियल नंबर है, जो भी आपका मंत्रा का जो सीरियल नंबर है उस पर डाल दीजिए। मैं सिक्योरिटी के रीजन से इसको मैं हाइड कर दूंगा और इस पर आपको ये सीरियल नंबर डाल देना है। आपका ये ब्लू टिक हो जाएगा तो आपको उसको ऐड कर लेना है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करोगे तो आपको इसका सीरियल नंबर आ जाएगा और 41 ईयर RT सर्विस आपको सब्सक्रिप्शन कर लेना है 100 रुपये का। नीचे आप देख रहे हैं अमाउंट, GST, जो भी आपका स्टेट हो उसका आपको फिल कर लेना है। मेरा गुजरात है तो मैं गुजरात से फिल कर रहा हूँ। और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, उसको आपको वापस से फिल कर लेना है, जो भी आपका सिटी हो। उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस जो भी है उसका आपको फिल कर देना है, जिससे कि इनवॉइस पर वो आराम से छप सके। तो मैंने ये अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर दिया है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद पे फॉर किसको करना है, तो जो भी आपका शॉप का नाम है उस पर आप डाल सकते हैं या कोई भी अदर नेम डाल सकते हैं। रिमार्क में आप उस पर लिख सकते हैं कि मंत्रा आरडी सर्विस हमने परचेस किया है, वो आप उस पर रिमार्क में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, पिन कोड भी फिल कर देना है, जिससे कि आपका जो भी स्टेट का पिन कोड हो, जो भी जो हो उसमें शो हो जाएगा। ये मैंने सब कुछ कर दिया है, इसमें आपको कोमा या कोई भी अदर वर्ड्स यूज नहीं करना है। तो ये मैंने कंप्लीट आरडी सर्विस रिन्यू के लिए मैंने जो रिमार्क किया है वो मैं कर दे रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको, नीचे जाकर आपको मैंने देखा आपने क्या किया, आरडी सर्विस रिन्यू का ये मैंने पोस्टल कोड भी डाल दिया। ये सब कुछ आपको फिल कर लेना है, एक बार चेक कर लेना है, कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद क्या करना है आपको, पे नाउ पर क्लिक करना है। टर्म एंड कंडीशन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि मेन यही हो रहा था, ये रिफंड पॉलिसी और ये सब इसमें होता है, तो वो आप पढ़ लीजिए। मैंने यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक कर दिया है, तो थोड़ी देर में जो पॉपअप होगा वो शो हो जाएगा कि आपको पेमेंट कैसा करना है। तो ये देखो, पेमेंट का ऑप्शन पेज खुल गया है, उसको थोड़ी देर वेट कर लेना है। जैसे पेमेंट वाला खुलेगा, उसका आपको जो भी आपको UPI करना है, कार्ड से पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड से या कोड से कोई भी आपको पेमेंट करना है, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो जल्दी से ये खुलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको पेमेंट कैसा करना है। तो थोड़ी देर लग रहा है उसमें ओपन होने में, तो आप तब तक वेट कर लीजिए। और जो भी चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नई वीडियोस लाता हूँ और सभी लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए।
क्योंकि आपके लिए इतनी वीडियो की मेहनत करनी पड़ती है, तो इतना मेरा हक बनता है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो देखो ये 118 के GST के साथ पेमेंट आ गया है, इसमें आप देख पा रहे होंगे UPI है, वॉलेट है, कार्ड, क्रेडिट, डेबिट कार्ड। तो मैं स्कैन टू पे करूंगा ऑप्शन, तो इसमें देखो जनरेट QR कोड है, तब जनरेट QR कोड हो जाएगा। जैसे एक QR कोड जनरेट होगा, आपको उसको स्कैन करके पेमेंट कर देना है 118 का प्लस GST के साथ। तो आप ये देखो स्कैन QR एंड 118 यूजिंग APA एप्स इनेबल UPI QR कोड, तो ये 2 मिनट के लिए इसे पॉपअप में शो हो जाएगा। तो मैं जल्दी से अपने मोबाइल से इसको पेमेंट कर दे रहा हूँ, तो आप देखते जाए कि कैसे ये पेमेंट होता है। तो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये मैंने पेमेंट कर दिया है, तो ये PayU20 का इसके एप्लीकेशन से ये पेमेंट हो गया है। तो अभी जब पेमेंट कंफर्म होगा तो इस पर आपको नया पॉपअप शो हो जाएगा, तब ये पेमेंट डन हो रहा है। तो देखो ये हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। डियर बसवा दीपक, यो पेमेंट सक्सेसफुल आर डी सर्विस टील टू 14 अगस्त 2024 तक का ये हमारा वैलिड हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप ये डाउनलोड प्रिंट आप कर सकते हैं और अपने प्रिंट करके रख सकते हैं। यहाँ पर नीचे डाउनलोड रिसीट पर आपको क्लिक कर लेना है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो RD सर्विस का जो इनवॉइस है वो जनरेट हो जाएगा। इसमें ट्रांजेक्शन ID भी दी गई है, जिससे कि आपको भविष्य में कोई रिफंड का पॉलिसी करना हो तो कर सकते हैं। तो ये देखो मंत्रा सॉफ्टटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ये जो इनवॉइस है वो क्रिएट हो गया है। पेमेंट रिसीट देखो, इसमें पेमेंट ID भी है, डेट भी है, कितना अमाउंट है वो भी है, और इसको पेमेंट किया है वो भी उसमें सब कुछ दिया गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पूरा कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।